हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ 5 तरीके के बहुत ही प्यारे प्यारे से पर्स, और सारे की सारे पर्स कुछ हटके हैं, तो सारे वॉच जरूर करना। तो देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया है 7x6 इंच का, और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। उसके लिए एक अस्तरौल लिया है, और 2 पीस मैंने ये लिए हैं 8.5x8.5 इंच के, तो ये भी 2 पीस हैं। इसके लिए मैंने कपड़ा और फॉर्म ली हुई है, तो इसको मैंने 2 पीस लिया। जो अभी छोटा वाला पार्ट था उसको मैंने 1 पीस लिया है, और उसके लिए एक अस्तर लिया। और देखिए, इसको हम इस तरीके से रेडी कर लेते हैं उल्टा रखते हुए, और ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर हम सिलाई वगैरह लगा लेते हैं, फॉर्म वगैरह अटैच करके। तो देखिए, इस तरीके से मैं चारों तरफ से सिलाई लगा रही हूँ, और देखिए इस तरीके से चारों तरफ से आपको सिलाई लगा लेनी है, केवल नीचे की साइड से आपको छोड़ देना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी। अब चलिए, अब हम इसको सेट कर देते हैं। तो सेट कर दिया जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ था। अब जो ये राउंड वाला पार्ट है हमारा, जो हमने केवल अस्तर के साथ में अटैच किया, इसको हमें इस तरीके से कट लगा के सीधा करके और चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, हमने सिलाई वगैरह लगा दी। अब हमें इसमें जिप को अटैच कर देना है, जो बड़ा वाला पार्ट है इसमें। तो इधर पहले हम एक सिलाई लगाएंगे, फिर ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे, ताकि जो अंदर का जो कपड़ा होता है वो हमारा जिप में ना आए। अब दूसरी साइड के हिस्से को भी मैंने चैन के साथ में अटैच कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दिया है। रनर को डाल देना है, और रनर को डालने के बाद में अब जो हमारा ये शाइनिंग वाला पार्ट है इसको लेना है, और अब हमें इसमें पहले 20 सेंटर में निशान लगा लेना है। तो हमने लिया एक बेल ग्रो का टुकड़ा, और उसको हम अटैच करेंगे पहले दोनों पार्टों में। तो दोनों ही पार्टों में मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है, तो पहले मैं इस पर अटैच कर देती हूँ इस बेल ग्रो को, और दूसरे वाले हिस्से में भी हम अभी अटैच कर देंगे। तो देखिए, इसमें पहले मैं 20 सेंटर में निशान लगा रही हूँ चैन के ऊपर से रखते हुए। थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चैन के ऊपर से रखते हुए 20 सेंटर में रखते हुए, मतलब सेंटर निकाल लिया है दोनों हिस्सों का, और इसमें सिलाई से अटैच कर देना है। तो ये हमारा पीस कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब बेलग्रो को आपको बेलग्रो के ऊपर लगा देना है, और दूसरे हिस्से की तरफ आपको पलटते हुए निशान लगा लेना है, जहाँ पर लगनी है वहीं पर। तो हमने देखिए निशान लगा दिया। अब हम इस तरीके से एक लेस लेंगे, या आपके पास लेस ना हो तो आप कपड़े की भी स्ट्रिप सिल सकते हो। तो देखिए, तो मैंने इस लेस को लिया, और कोनों पर इस तरीके से रखना है, और चारों तरफ से अब आपको सिलाई इसमें लगा देनी है। तो पहले एक तरफ से इसे अटैच करना है, रखना है, और फिर अच्छे से पकड़ते हुए, उसमें अंटा ना आए, दूसरी तरफ से भी पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। और मैंने पाइपिंग भी लगा दी है, और ये हमारा प्यारा सा पर्स बन के रेडी हो गया है। ऊपर से कोई भी आप फ्लावर बना के लगा सकते हो, या फिर मार्केट का हो तो मार्केट का भी लगा सकते हो। अब चलिए दूसरा आप लोग को बताते हैं, और ये पर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए, दूसरा हमने ले लिया है अपना ब्लाउज का पीस, जो कि मेरे पास बच जाते हैं, मैं अपने खुद के ही सिलती हूँ, लेकिन कपड़े बच जाते हैं तो मैं उनका इस तरीके से यूज में ले लेती हूँ। अब देखिए, इसकी जो लंबाई थी वो मैंने 13 इंच रखी नहीं है, जितना कपड़ा था उतना ही ले लिया है। चौड़ाई है इसकी 7 इंच के, ऊपर से मैंने 5.5 इंच रखा है, और यहाँ से आपको 3 इंच का रखना है। थोड़ा सा आप ध्यान से समझते जाना। 3 इंच का निशान लगा दिया सीधा, यहाँ से 2 इंच का निशान लगाया इस तरीके से, और जो निशान है यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से 4.5 इंच का लगाना है, क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं मटका शेप में, तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। आप इसको बहुत ही 5 में से 5 स्टार दोगे। आप एक बार पूरा वीडियो जरूर देखना। तो जो भी पर्स मैं पांचों की पांचों पर्स बताने वाली हूँ, सारे के सारे पर्स अलग अलग हटके हैं। और देखिए, इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था उसको हमने कट कर दिया, फॉर्म अस्तर के साथ में इसको अटैच कर दिया दोनों पीसों को। अब चलिए, इसमें हम निशान लगा लेते हैं ऊपर से सिलाई लगाने के लिए। तो जैसे भी आप इसमें सिलाई लगाना चाहो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो मैं इसमें सिलाई वगैरह लगा लेती हूँ दोनों पार्टों में, और केवल हमारा जो पीस है, जो पर्स है, वो 2 पार्ट से ही रेडी होगा।
और इसमें ज़्यादा पार्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। और चलिए एक और पॉकेट हमें इसमें लगानी है। अब पहले मैं इसको ऊपर रखते हुए पहले दोनों पार्टों को एक बराबर कर लेती हूँ ताकि छोटा बड़ा ना हो जाए कोई भी पार्ट। वैसे तो हमने बराबर कट किया है लेकिन सिलाई वगैरह भी तो लगाई है ना, उससे बाद में फिर थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। तो अब मैंने डोरी ले ली है 14 इंच लंबी, और देखिए बीच में स्पेस, बीच में निशान लगाते हुए 2 इंच इधर और 2 इंच इधर लेते हुए डोरी को अटैच कर दिया है। अब देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है आपको। मैंने 5 इंच का फोल्ड करते हुए इसमें निशान लगा दिया है इस तरीके से सीधा। तो दोनों तरफ से बराबर नाप लिया है पहले मैंने जब लगाया है, और कटिंग कर दी है और ले ली है जिप। जिप को अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद में एक और सिलाई लगा देंगे, और सिलाई लगाने के बाद में अगर आपके पास कोई भी लेस वगैरह पड़ी है तो वो आप लगा सकते हो। इसको बहुत ही प्यारा सा लुक मिल जाएगा पर्स को। तो देखिए अभी सिंपल लग रहा है, और अब इसको लगाने के बाद में बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए लेस को मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया, ऊपर की साइड में भी मैंने पतली सी लेस को अटैच कर दिया है, और देखिए यहाँ पर मैं जिप को अटैच कर दिया ऊपर की साइड में। अब आपको पीछे की साइड से भी सिलाई को लगा देना है, और दूसरे हिस्से को भी आपको जिप के साथ में अटैच कर देना है। तो मैंने कर दिया, ऊपर से भी सिलाई लगा दी। अब इसे हमें देखिए जो हमने पॉकेट के लिए जिप लगाई है उसमें अभी हमें अस्तर लगाना है। अस्तर के लिए मैं एक कपड़ा कट कर लेती हूँ इसके बराबर का, और ऊपर से यहाँ से सिल देती हूँ। तो ये हमारी पॉकेट वाला हिस्सा हो गया, और इसमें भी हमको रनर डाल देना है। जहाँ जहाँ हमने रनर नहीं डाला वहाँ आपको दोनों जिपों में रनर डाल देना है। अब आपको इस तरीके से सेट कर लेना है अपने पर्स को, और चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। और देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी, कट्स लगा देने हैं जहाँ पर राउंड शेप हो रहा है वहाँ पर, नहीं तो अच्छे से सीधा नहीं हो पाएगा। और 2x2 का मैंने इस तरीके से निशान लगाते हुए एक डिब्बा सा, 2 डिब्बे बना दिए हैं पर्स पर, और यहाँ से कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पे पाइपिंग लगा देनी है। पाइपिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन पाइपिंग से आपके पर्स का जो लुक होता है बहुत ही प्यारा सा हो जाता है अंदर से, और मजबूती भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कहीं हद तक। और इन देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए जो हमने डिब्बे कट किए हैं इनको पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है, पाइपिंग लगा देनी है, और ये हमारा प्यारा सा पर्स बनके रेडी हो जाएगा। और इसे तो मैं बहुत टाइम से यूज में ले रही हूँ, और ये मैंने वीडियो आप लोग को अलग से शेयर भी की हुई थी लेकिन बहुत टाइम पहले, लेकिन ज़्यादा प्यार आप लोगों ने नहीं दिया। और लेकिन इस पर्स को ना बनाना जितना इजी है ना उतना ही बहुत ही प्यारा लगता है ये पर्स। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला पर्स आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब तीसरा पर्स आप लोग को बताते हैं। तो तीसरे पर्स के लिए भी मैंने देखी यही वाली लेस कट कर ली है इसके बराबर की, अस्तर लिया है, कपड़ा लिया है, फॉर्म ली है, चैन ली है। तो आप इसमें जितनी चैन लगाना चाहते हो उतनी चैन का बना सकते हो वैसे तो, लेकिन मैंने एक ही जिप का बनाने वाली हूँ आपको डिजाइन दिखाने के लिए। अब चारों तरफ से मैंने आलपिन से सेट किया और सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद में अब इसका मैं फाइनल नाप आप लोग को बता देती हूँ ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रहे। तो देखिए 9 इंच इसकी इस तरीके से करीब लंबाई है, 9.9 इंच की इस चौड़ाई है 9.5 इंच की। अब देखिए जिधर से चौड़ा हिस्सा है ना उधर से ही आपको इसको लगाना, मतलब कम चौड़ा हिस्सा उधर से आपको इस जिप को लगाना है यहाँ से। तो देखिए जो सबसे चौड़ा था उस उधर से मैंने जिप को लगा दिया, और दूसरे हिस्से को भी हम इसमें अटैच कर देना है। तो दो दो सिलाई लगानी होती है आपको हर जिप में, क्योंकि फिर कपड़ा दबता नहीं है इसीलिए। अब देखिए सिलाई अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, साथ में हम इस लेस को भी अटैच कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर आपके पास लेस हो ना तो लेस ज़रूर लगाया करो, कोई भी आप पर्स वगैरह बना रहे हो तो उससे क्या होता है ना बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है, और ले जाने में भी अच्छा लगता है। सिंपल पर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं वैसे, लेकिन अगर आपके पास कोई प्यारी सी लेस पड़ी है ना तो थोड़ा सा लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लिपअप होती नहीं करनी है, लेकिन हाँ 1-2 लेयर में आप लगा सकते हो, उसे बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है। अब देखिए मैंने इसमें एक जिप लगाई है, आप अगर ज़्यादा लगाना चाहते हो तो ज़्यादा भी लगा सकते हो। मैंने इसको अब देखिए उल्टा कर दिया रनर डालने के बाद में, फिर जिप को फिर से बंद कर दिया और फिर से मैंने इसमें रनर डाल दिया।
अब एक आपको कोई भी स्ट्रिप लेनी है, यहाँ पे इसको डालना है। और मैंने गोटा पट्टी पड़ी थी मेरे पास, गोटा पड़ा था तो वही ले लिया है, या फिर आपको सिल लेनी है अगर आपके पास कोई भी गोटा इस तरीके से ना हो तो। और दोनों तरफ से आपको इस तरीके से सीधी सिलाई लगा देनी है, सिंपल है ना कितना। और सिलाई लगाने के बाद में फिर आपको इसमें पाइपिंग लगा देनी है, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी। लेकिन पाइपिंग, जैसे कि मैं बताती हूँ आप लोगों को हर एक वीडियो में, कि पाइपिंग से बहुत ही ज़्यादा मजबूती रहती है आपके पर्स में और लुक भी बहुत प्यारा आता है, अंदर से धागे वगैरह नहीं दिखते हैं ज़्यादा इसीलिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से पाइपिंग को एक तरफ से अटैच किया, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। और सेम तरीके से फिर आपको दूसरी तरफ जो हिस्सा बचा हुआ उधर से भी कर देना है। और ये हमारा फाइनल लुक रेडी है। तो चलिए दिखाते हैं इसको सीधा करके। और गाइस ये वाला पर्स आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो में तो आपको ये भी बताना है कि कौन सा पर्स आप लोग को सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है। हम इतनी मेहनत करके वीडियो डालते हैं और आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अब देखिए एक और पर्स मैं बताने वाली हूँ चौथे नंबर का। इसकी लंबाई चौड़ाई ली है हमने 24x15 इंच की, मतलब 24 इंच लंबाई है, 15 इंच चौड़ाई है। और देखिए ये स्ट्रिप ली है मैंने 22x3-4 इंच करी की है, मैं देख नहीं पाई, ध्यान नहीं मैंने कितना लिया। और मैंने इस तरीके से इसको सिल दिया है सीधा सीधा। आप चौड़ाई 4-5 इंच की ले सकते हो स्ट्रिप के, उससे थोड़ी सी थिक हो जाएगी इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे हमने 20 सेंटर में इसमें निशान लगा लिया, जिधर से 15 इंच है उधर से आपको लगानी है इस स्ट्रिप को। अब 2.5 इंच इधर छोड़ा, 2.5 इंच इधर छोड़ा और स्ट्रिप को अटैच कर दिया। तो दोनों तरफ से हमने इसी तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर दिया। और देखिए हमने एक जिप ली और ऊपर से सिलाई लगा दी और एक और सिलाई लगा के हमने इसको फिक्स कर दिया। अब दूसरी तरफ से भी हमने सिलाई लगा दी और फिर इस चैन को खोल लिया, ऊपर से एक और सिलाई लगा दी। अब चलिए अब आ जाती है बारी इसमें और पॉकेट बनाने की, क्योंकि हम इसमें 2 पॉकेट और बनाने वाले हैं। तो देखिए मैंने इसकी लंबाई के बराबर कपड़ा लिया और चौड़ाई हमने 8-9 इंच की रख दी। और शॉपिंग बैग आपके पास पड़े ही रहते हैं तो आप इसको लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई कपड़ा लो, ये भी थोड़े बहुत मजबूत रहते हैं। जब तक ये आपका बैग चलेगा, ज़्यादा नहीं तो ये भी आपकी पॉकेट चल जाएंगी। अब देखिए हमने यहाँ पे अटैच कर दिया ऊपर से, करीब 2-2.5 इंच छोड़ते हुए 20 सेंटर में निशान लगा दिया, इसको कपड़े को अटैच कर दिया। और जो नीचे वाला हिस्सा उधर सिलाई लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका जो सारा सामान है वो बैग में ही चला जाएगा और पॉकेट का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो देखिए नीचे से मैंने सिलाई लगा दी। अब चलिए फिर से बैक होना पड़ेगा हमें इसमें, क्योंकि बीच वाली सिलाई भी हमें लगानी है। तो देखिए हमने अब ये बीच वाली सिलाई भी लगा दी। तो अब इस तरीके से हमारी इसमें 2 पॉकेट और बन चुकी हैं। अब 2 पॉकेट हो गई और एक बड़ी पॉकेट हो जाएगी, तो मतलब 3 पॉकेट वाला हमारा ये पर्स हो जाएगा। अब हमने इसमें रनर डाल दिया, रनर को चैन को फिर से बंद कर दिया और फिर से रनर को डाल दिया, क्योंकि चैन को बंद करना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है जब हम पर्स को बना रहे हैं, तो अच्छे से सिलाई लग जाती है चैन के ऊपर से इसीलिए। अब देखिए अच्छी तरीके से हमने इस तरीके से इसको सेट कर देना है। और सेट करने के बाद में अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है 2 इंच का। 2 इंच देखिए इधर से निशान लगाया, 2 इंच का इधर से निशान लगाया। तो आपको दोनों तरफ ही, मतलब कि चारों कोने तो 2 हैं लेकिन चारों मतलब आगे और पीछे 4 तरफ निशान लगाना है। और इस तरीके से आपको जो हमने निशान लगाया है, निशान से निशान को आपको मिलाना है और जो बाकी का कपड़ा है वो अंदर डाल देना है इसमें। तो दोनों तरफ से मैंने सेट कर दिया और फिर दोनों तरफ से आपको सिलाई लगा लेनी है। और पाइपिंग लगाना चाहो तो पाइपिंग लगा सकते हो। तो मेरे पास तो बहुत सारे पर्स हैं, तो मुझे तो लॉन्ग टाइम ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है पर्सों को, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक पर्स को चलाना है तो आप पाइपिंग ज़रूर लगाना। तो जी कि बहुत ही प्यारा सा हमारा पर्स रेडी है। अब चलिए 5वां पर्स आप लोग को बता ही देते हैं। तो ये मैंने रेडी तो कर लिया है फॉर्म वगैरह लगा के, और इसका नाप करीब 5x5 इंच का है दोनों कपड़ों का।
मैंने इसमें नापना नहीं बताया, लेकिन मैं बता रही हूँ तो उतना आप ले लेना, क्योंकि हम बनाने वाले हैं छोटू सा पर्स। और देखिए यहाँ से हमने 1/4 इंच का निशान लगाया, सीधा मार्क किया और इसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद में हमें लेनी है जिप, तो जिप को अटैच करने देना है इसके ऊपर से, और फिर ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ से भी हमें इसको अटैच कर देना है, जहाँ से हमने इस कपड़े को कट किया है वहीं पर। और ऊपर से एक एक सिलाई और लगा देते हैं ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाए। तो इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब तो हमने चैन लगाई है तो अलग से पॉकेट तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं 2 पॉकेट वाला पर्स। तो उसके लिए मैंने अंदर के लिए अस्तर लगा लिया, कपड़ा लगा लिया पॉकेट बनाने के लिए, रनर डाल देते हैं इसमें और एक और चैन को अटैच करते हैं। अब हम यहाँ पर तो देखिए इस तरीके से मैंने एक और जिप को अटैच कर दिया, ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में अब आपको दूसरा वाला हिस्सा ले लेना है। इसको हमें प्लेन ही रखना है, क्योंकि पीछे क्या दिख रहा है, अगर आप लगाना चाहो एक और पॉकेट तो पीछे की साइड में भी लगा सकते हो, ये आपकी खुद की मर्जी है। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने इसको अटैच कर दिया और रनर भी डाल दिया। अब तीनों साइडों से अब आपको एक एक करके सिलाई को लगा देना है, और जो चैन वाला हिस्सा है ना वहाँ पे आपको डबल सिलाई चला देनी है। तो देखिए पहले मैंने एक तरफ से सिलाई लगा दी और फिर दूसरी तरफ से सिलाई लगानी है, और फिर बचेगा नीचे का हिस्सा, फिर आपको उधर से भी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमारा ये प्यारा सा पर्स बन के रेडी हो जाएगा। और गाइज कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखते तो बहुत से लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब 100 में से 1 ही करते हो, लेकिन ऐसा मत करो प्लीज़।